one more channel where he teaches beatboxing on the youtube named machao machao has also been successfully able to cross around 130000 subscribers sticking to the simple personality and great thoughts sumer singh is on a mission of embarking to educate and improve the lives of engineering students he holds a degree in bachelor's of engineering in computer science from university of mumbai so this podcast is not only available on the YouTube but also on the Spotify and anchor in the audio formats. Link to those will be down in the description box. If you like my content, please subscribe to my YouTube channel or you can follow my podcast on the Spotify. So let us get started with the podcast. Hope you will enjoy it. Hi Sumer, how are you? I'm great, bro. Mm. It's really great to have you uh, on my podcast today. So I have a set of uh, few questions which we will go through one by one.

ऐसा क्या होता है ना लास्ट मोमेंट ट्यूशन क्या मैं बता देता हूँ कि अब हम सब ना इंजीनियरिंग के टाइम ना एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं मैं आप अपन सब बराबर और वो मोमेंट पे ना अपने को दोस्त पढ़ा लेते हैं उसको पता है कि अपने को कितना पढ़ाना है पॉइंट टू तो पॉइंट क्या भाई इतना इतना कर लेगा पास हो जाएगा तू भाई बराबर क्लियर है अब वो अपने को चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं करता वो इंग्लिश में नहीं बताता अरे ऐसा ये वो या और वो हार्ड थिंग्स और वो ये भी नहीं बोलता कि सब करने की जरूरत है उसको पता है कि देख तेरे को इतना आता है इतना याद करना इतना रट्टा मानना है और इतना समझना है और आगे जाके पेपर में इतना लिख के आ जाए ना पास हो जाएगा बराबर वो जो दोस्त सिखाता है ना डूड वो छह महीने की टीचर की क्लास और ये दोस्त की दो घंटे की क्लास ये दो घंटे की क्लास में ज्यादा वैल्यू है डूड टू बी ऑनेस्ट तो ना ये चीज ना अपन सब करते आ रहे हैं लास्ट मोमेंट ट्यूशन को एक नई चीज नहीं है यह पिछले सालों से चली आ रही है एक दोस्त इनफॉर्मल वे में अपने को पढ़ाता है वही चीज है बट क्या होता है ना कि सबके पास वो दोस्त होता नहीं है जैसे अपन तो कॉलेज में पढ़ लेते थे अब चीजें ऑनलाइन है अब तो पढ़ेंगे कैसे तो ना आ, और जो स्कॉलर होते वो लड़कियों को पढ़ा लेते तो बाकी हुआ क्या तो ना ये दो तीन प्रॉब्लम्स फेस हुई थे ना मैंने लगा कि यार आ, ऐसा नहीं होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए वो चीज़ तो इसी एक बेस पे इनफॉर्मल वे में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मैं एक रैपर रहा हूँ अपने कॉलेज में और अभी भी मैं रैप सॉन्ग लिखता हूँ तो मेरे को वो जो कनेक्शन है मेरे लोगों से वो ज्यादा इनफॉर्मल है मैं कोई प्रोफेशनल बंदा था ही नहीं और आज भी मैं एक इनफॉर्मल पर्सन ही हूँ तो वो एक इनफॉर्मल वे में एक रैपर कहानियों की तरह अगर कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो वो कैसा होगा तो उस तरह से मैंने पढ़ाना की वीडियोस बनाने लगे क्योंकि वीडियोस बनाना बहुत पसंद है आ, तो वहां से चीजें शुरू हुई और उसके बाद वीडियोस पे, वीडियोस पे पहले एक वीडियो बनाया फिर सौ वीडियो बने फिर तीन सौ वीडियो बने अब दो हजार से टू थाउजेंड प्लस वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे है लास्ट मोमेंट ट्यूशन पे और वहां पे लोगों को उतना प्यार भी मिला मतलब लोग उतना कनेक्ट कर पाए ना करे तो अपने बड़ा प्यार और उतना फिर वो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज अपन पांच लाख प्लस सब्सक्राइबर्स पे होंगे तो आज लास्ट मोमेंट ट्यूशन फाइव लाख प्लस सब्सक्राइबर है अपनी वेबसाइट है जहाँ पे अपन ओवरऑल चार यूनिवर्सिटी कवर करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी और अगले छह महीनों में अपन दस यूनिवर्सिटी कवर कर लेंगे सपना है ट्यूशन जो मैं करता हूँ मैं वो दोस्त हूँ जिसका मेन मोटिव यह है कि यार जो इंजीनियरिंग में मेरे को प्रॉब्लम आई ना वो मेरे लोगों को नहीं आना चाहिए बराबर तो उसको सॉल्व करने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं हमारी पूरी टीम हम्म एंड जब भी मतलब अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली व्हेन यू वर इन द इंजीनियरिंग एंड कैसा है कि सब जॉब्स के लिए आ, मारा मारे जादू था तो वो जमाने में ऐसा मतलब मोटिवेशन क्या था कि लास्ट मोमेंट ट्यूशन चालू किया जाए ऐसा अच्छा देखो उस जमाने में ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी नहीं की थी नौकरी की मैं भी कर रहा था थर्ड ईयर में ही मतलब बहुत डरा देते नौकरी नहीं मिली तो बर्बाद हो जाओगे <laughs> तो, तो में 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 बना रहा था और मैं को याद है मैं टीचर्स के साथ बैठ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि एक पेज पे लिखा हुआ है कि तेरे को एम एस क्यू करना चाहिए ताकि तू दो साल एम टेक कर सके और फिर किसी कॉलेज में टीचर बन सके अच्छा। और मेरा ये था कि अगर मेरे को पढ़ा नहीं है और मैं आज अच्छा पढ़ा लेता हूँ तो मैं दो साल एम टेक क्यों करूँ और उसके बाद कॉलेज में क्यों पढ़ाऊँ तो वो मेरे को लिमिटेशन लग रही थी और दूसरा नहीं। नहीं। था कि मैं जॉब करूं तो नौकरी मेरे को मेरे को ना पहली चीज फॉर्मल्स कपड़े नहीं पसंद नहीं। नहीं। ऐसा ये कोई ऐसा ये नहीं लेकिन मेरे को फॉर्मल्स पहनना है अभी ये शर्ट पहने पहना है तो मेरे को ऐसा मजा आ रहा है खुश है अपनी मर्जी से पहना समझ रहे हो ना अच्छा ये शर्ट के नीचे अगर तुम देखेगा तो बैग ढीला सा पैजामा है समझ रहे हो तो मैं वो ऐसे इंसान हूँ जिसको ट्रैक्स पैजामे वो पहनना ज्यादा कंफर्टेबल इंसान होना समझ लो तो मेरे को यार वो फॉर्मल से नहीं पसंद था यार एक तो ये कपड़ों पे टाइमिंग पे इधर से ये होना चाहिए वो मेरे को नहीं पसंद था मैं मतलब यार अपना कुछ करेंगे और दूसरी चीज ना मेरे को जॉब से बहुत डर लगता है पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को ना डर लगता है कि यार ये लोग वो बहुत लिमिटेड कर देती है तुम्हें वो अपनी कुएं वाली सोच पे लाती है और अपन समंदर वाले इंसान है क्या अपने को तो वो ओके बहुत कुछ करना वो तो वो तो एक चीज थी जो मेरे को और मैं क्रिएट ज्यादा करना चाहता हूँ दे मतलब किसी के अंडर पता नहीं काम नहीं होता किया नहीं आज तक और ऊपर वाले का दुआ रही तो इन फ्यूचर भी ना करूं अपने आइडिया से खुद की चीजों पे कुछ करूंगा तो ज्यादा अच्छा है पर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में मैंने अप्लाई किया था कि मैंने एक जगह गया था मेरे को याद है कि विस्तार

और ये इजी नहीं है यार ये जर्नी ना मतलब ऐसा नहीं कि मजा आ जाता मजा तो नहीं आता यार बहुत यार। बहुत लोनली पाते हैं बात भी लेकिन वो मेरे लिए है वो लेके ये मेरी खुशी इसी में है कि चाहे अगर मैं इसमें जिंदगी भर अगर मैं दस हजार रुपए भी मैंने कमाऊंगा ना लेकिन मैं ये बात चूज करूंगा रेदर देन अर्निंग टेन लाख रुपए पर मंथ एंड डूइंग दैट यहाँ पे तुम्हें पावर मिलती है ना कुछ क्रिएट करने की वो पावर वो वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है यार तो दिस आई जस्ट चूज मैं uh, मतलब यही था कि नौकरी करूंगा कि जो uh, बिजनेस करूंगा नौकरी करूंगा कि बिजनेस करूंगा या फिर ऑन्टरप्रिनशिप करूंगा या फिर वीडियोस बनाऊंगा तो तब ऑनप्रिनशिप का भी नहीं पता था स्टार्टअप uh, का भी नहीं पता था तब पता था कि यार वीडियोस बनाने को मजा आ रहा है और मेरे yeah. को यही करना है अब uh, ये करने के लिए मेरे को और क्या करना पड़ेगा आइदर अगर मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब करके भी अगर मेरे को ये करने मिलता था ना तो मैं ये करता था बिकॉज आई वॉज रियली लविंग द प्रोसेस आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस के भाई इसमें तो इट वॉज अ ड्रग फॉर मी ब्रो समझ रहेगा तो आई कु मनी फॉर इट क्या मेरे को पैसे देके मेरे को मेरे को ये करने को भी मिले तो भी मैं ये करूंगा एंड उतना मैं इसको इंजोय किया तो मेरा जो यूट्यूब का पकड़ा था वो भारी पड़ा और नौकरी का पकड़ा कम हो गया यार नौकरी पे इतना भी इंटरेस्ट था ही नहीं तो यार अपन नौकरी नहीं करेंगे अपन यूट्यूब पे वीडियोज बनाएंगे तो वो था कि यूट्यूब पे वीडियोज बनाएंगे पता नहीं था कि स्टार्टअप करेंगे या फिर करेंगे लेकिन यूट्यूब पे विडियोज बनाएंगे वो था यार इंजीनियरिंग ईजी करेंगे मजा आ रहा है ऐसे ही वीडियोज बनाते जाएंगे और कुछ ना कुछ होगा और कोई गारंटी नहीं है एक सौ चालीस रूप मतलब कि तो like कितना। तो चारी 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 की साढ़े चार हजार था महीने का चालीस चालीस तीस हजार महीने की नौकरी मिल गई थी अपन साढ़े चार हजार में कुछ थे दो डॉलर कमा रहा हूँ दोस्त मतलब सर है हमारे उनको जाके जब मैं उनके यहाँ पे भी मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में भी मतलब वो अच्छे कनेक्ट हुए थे

फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो लोग वो ना फुटबॉल का एक रहता है जिसमें सौ रुपया पांच सौ रुपया जाते हो तो तुम लोग पैसे देके जा रहे हो ना वो करने ही ना, वो बहुत खुशी की बात है वो और अभी मतलब ऐसा हाफ मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने तक का जर्नी तो बहुत टफ था बट जब इनिशियली चालू किया रहेगा तभी कुछ ना कुछ सेटबैक्स आए रहेंगे तो ऐसा कोई ऐसा एक मेजर सेटबैक शेयर करना है जिसमें मतलब बहुत वगैरह फील हुआ था सेटबैक ना ऐसा बहुत टाइम लगा है कि खत्म हो गया सब कुछ समझ रहे हैं लाइक like, बहुत टाइम ऐसा लगा है कि अब इसके आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे और बस हो गया मतलब अभी तो क्या गेम खत्म शुरुआत में इंजीनियरिंग के दिनों में तो जब लाइक uh, like, मेरे को ना ऐसा कि बहुत जज किया गया है पहले अरे तू तो मैं, मैं, मैं सेम सोच नहीं थी मेरी, के अरे, thing, <laughs> और मैं मेरे दोस्त को बचा रहा था यार कुछ हो गया था हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे थे सर ने पकड़ लिया हम लोग को तो मैं सोचा यार कि इसके नंबर नहीं कटनी चाहिए अपने को तो चल तो मेरे को यार ऐसा उसने बोल दिया साथ रह मत ये तो नाच गा के पैसे कमा लेगा क्या अरे तब तो फिर अपन जाके वापस जवाब तो, तो, तो दे नहीं। उसके बाद, अम, दोस्तों ने मतलब उतना अरे क्या है ओके समझा नहीं, नहीं। उतना कुछ शुरुआत में कोई आता भी नहीं तुम्हारे साथ लोग बोलते अरे, अरे नो बड़ी सपोर्टेड मी अरे नो बड़ी नोस यू और सुना मैं। तो वो तो नॉर्मल है लोगों को नहीं पता होता नॉर्मल है मतलब मेरे को खुद को भी नहीं पता था और मेरे को तो उतनी पढ़ी भी नहीं थी क्या लोग आएंगे मेरे साथ काम करेंगे कोई नहीं करेगा मेरे को मजा आ रहा है

तो मैंने पापा से बात की मेरा एक साल के लिए मेरे को दे दो तो, मैं भाड़ा भर दूंगा देख लेंगे अपन और बात हुई थी कि थोड़ा वहां से थोड़ा वो इन्वेस्ट करेगा थोड़ा मैं करूंगा और अपन ऑफिस डालेंगे और वो बैक ऑफ कर गया बिकॉज ऑफ हिज सम ऑफ द रीजन तो उसके तो पर्सनल रीजन है ऐसा नहीं किया लेकिन ना मैं टूट गया था उस टाइम क्योंकि अभी ऑफिस वो घर खाली हो गया रे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही करने की क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने दो तीन लोगों को और ट्राई किया और कोई मेरे साथ काम करने को मतलब और उधर आठ आठ नौ नौ घंटे रोज जाके काम करता था मैं। कि आज से ही ऑफिस है और मैं वहीं आके काम करूंगा और तभी तो फुलिया बहुत अलग था हमारे ऑफिस का ठीक है एक टेबल पड़ा और कुछ भी नहीं है चार हजार का व्हाइट पेंट मार दिया फिर तो बहुत कुछ आया मतलब कि वो एक लैपटॉप से आज तीन पीसी मैक कैमरा डीएसएलआर ला, लाइटिंग दो यूट्यूब बटन वो सब चीजें जब वो शुरुआत थी वो बहुत तभी अद्वेत और ये लोग ने बहुत सपोर्ट किया यार कि यार हम लोग करते ना साथ में तू उदास क्यों है और वहां पे वो हुआ तो ना हमेशा सेटबैक्स कैसा रहा है कि वो आ, रियल प्रॉब्लम से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है ना कि अपन उतना डर जाता है और अपन कभी देखे नहीं ना यार इतनी चीजें मैंने कभी इतनी सारी चीजें देखी नहीं अपने को तो नॉर्मल है ना कि अपन छोटी मोटी मुश्किलें देखें ऐसा अच्छा, अचानक अपने जिम्मेदारी डालेंगे और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तेरे को सब पता होना चाहिए अपने को कैसे पता यार आधे टाइम मेरी टीम को लगता है कि मेरे को पता है सब कुछ सुमेर आंसर निकालेगा और सुमेर को नाइनटी परसेंट टाइम कुछ भी नहीं पता होता ब्रो मैं कार्टून सा इंसान हूँ जिसको आधी चीज नहीं पता और फिर भी हम लोग कोशिश करते अरे नहीं।, नहीं यार मैं, 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 उनको लगता है मैं कर लूंगा और मैं कर लेता हूँ ढूंढ के किताबें पढ़ के लोगों से बात करके और कुछ ना कुछ करके मैं जुगाड़ निकाल लेता वो एक चीज है जो मेरी सही है तो आ, हमेशा आती है अभी कोरोना में पिछले टाइम भी बहुत प्रॉब्लम थी कि अचानक सब वापस बंद हो गया था अभी भी चीजें बंद है तो वही कह रहा ना कि हमेशा ऐसा लगता है ऑनलाइन तो तो हो रहे हैं। तो लोग कॉपी करके पास हो रहे हैं। तो नो बड इज बाइंग द कोर्स टोटली फाइन मैं थोड़ी नहीं रखा अरे कोर्स खरीदो ठीक है यार अभी वो लोग भी क्या करेंगे पढ़ाई कहा करे वही लोग जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात लेकिन क्योंकि मेरा exactly. प्लान था कि हम कोशिश बेचेंगे कोशिश नहीं बेच रहे तो मैं आप मैं लोगों को चला रहा mm. हूँ अब mm. उनका घर अपने से चलता है थोड़ा बहुत बारा भी बारा। लेकिन चलता तो अपने से और रिस्पॉन्सिबल इंसान मैं हूँ मेरे पहले उनके घर पे मतलब चीजें जाए तो अपन ने कभी किसी का ऐसा ये नहीं ना अपन के यार अपन दो टाइम दो रोटी कम खाएंगे तो चलेगा लेकिन इनका पहले होना चाहिए क्योंकि वो लोग अपने जिम्मेदारी पे सो इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो यार ऐसा

चार महीने पहले एल सिर्फ एक एजुकेशन वेबसाइट थी जिसमें सिर्फ विडियो थे ओनली विडियो वो वो भी सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ठीक है वीडियोस थे चार महीने में जब हम लोग की वाट लगी कर यार सिर्फ वीडियो तो नहीं चल रहे क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा तो ना हमने क्या किया पता है हमने चार यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस उनकी लेटेस्ट न्यूज और उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज और अभी भी हम लोग एमसीक्यूज पे काम कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंजीनियरिंग के पांचों ब्रांच के फर्स्ट ईयर मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई टी इंजीनियरिंग एंड विल बी वर्किंग ऑन सिविल इंजीनियरिंग आल्सो उन सबके ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम पे अवेलेबल अभी और विद इन फोर मंथ hmm. पूरी वेबसाइट हमने खुद रीडिजाइन की और सारी चीजें वर्डप्रेस से वर्डप्रेस बहुत लिमिटेड करता है लेकिन उसमें भी तोड़ ताड़ के खुद के पेजेस बना बना के एक ऐसी वेबसाइट खड़ी की है जो मेरे को अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती ना तो हम लोग को दो साल लग जाते थे वो वेबसाइट बनाने को हम लोग ने चार महीने में खड़ी कर दी mm. क्योंकि वो प्रॉब्लम वैसे था दिन रात लोग बैठे दिन रात और mm. वो रोज कुछ ना कुछ करे और, और ऐसा नहीं कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग बहुत पैसे आने वाले वी डोंग अबाउट इट बराबर बट दॉक वी आर पुटिंग यार ये करेंगे ये भी mm. कर सकते हैं एंड बहुत कुछ यार कॉलेज इन्फॉर्मेशन कट ऑफ सारी चीजें एल एम टी अवेलेबल है यार एग्जाम बनना कोर्स तो कोई खरीद नहीं रहा तो करेगा तो वहां पे वो चीजें आई ये मतलब एक्चुअली सेंसबल होता है इस चीज का क्या है कि जो एक्चुअली मतलब ट्राई करता है अभी तूने खुद बोला कि मुझे बहुत चीजें नहीं आती बट मैं कोशिश करना कभी छोड़ता नहीं हूँ मैंने खुद एक ऐसा आ, एक मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट कोट जैसा पढ़ा था कि ऐसा दो बंदे लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करने गए हाँ तो एक सामने लंबी बिल्डिंग है तो वो इंटरव्यूअर वो एक लड़के को पूछता है चल बिल्डिंग का हाइट बता तो वो बोलता है डेढ़ सौ फीट है मुझे पता है मैंने पढ़ा है तो दूसरे को पूछा हाइट कितनी है तो वो बोला वेट मैं जाता हूँ वो गया नीचे उसने शाइडो का एस्टिमेशन लिया मैथ से कैलकुलेट करके बोला इसका हाइट एक से एक के बीच में रहेगी जितना बोला ना मतलब उसने उसको उठा लिया वो बोला कि भाई इसने कोशिश की है एस्टिमेशन निकालने का

क्या ठीक है आप लोगों का इंटरव्यू लेना और पता नहीं कि इंटरव्यू लेते कैसे कसम से कह रहा हूँ क्या किस तरह से करना है मतलब मैं और मैं अद्वित से बात करता हूँ जा, मैं जाऊंगा नहीं मैं बात नहीं करूंगा <laughs> तू बात कर हम लोग एक दूसरे को इंटरव्यू कभी लिया नहीं ना अपन ने सिर्फ मतलब दिया नहीं ले रहे इंटरव्यू अभी और इंटरव्यू लेना आता नहीं तो उसमें अपन मैं खुद अपनी प्रैक्टिस करता हूँ इंटरव्यू लूंगा कैसे और फिर कभी ना कभी संभाल लेते आता कुछ नहीं है लेकिन ठीक है देख लेते वो भी कोशिश ही है इंटरव्यू लेने की भी कोशिश है देने के बट ओवर दीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होगा एंड जो तुमने बोला ना कि स्मार्ट बंदे मतलब है, स्मार्टनेस का एक सबसे बड़ा डिटरमेंट क्या पता है एरोगन अभी तेरे को पता exactly. है तू, तेरे में बहुत बुद्धि है तो तू दूसरे को हुँ. नीचा दिखाता ही एट एनी कॉस्ट इसीलिए तो अल्बर्ट आइंसटाइन ने बोला ना हाँ एग्जैक्टली इसीलिए तो एलबर्ट आइंसटाइन ने बोला की इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम यू आर इन द रोंग रूम Because तेरे से कोई ना कोई ऐसा रहना ही चाहिए जिससे तेरे को कुछ सीखने मिलेगा चल ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड लाइफ के लेसन रह सकते हैं या कोई ना कोई टिप रह सकते हैं अभी तू एक एंटरप्रनर है करने वाला तुझे वही एंगल से देखेगा कि वो क्यों तू क्यों नहीं जॉब कर रहा है तो वो रहता है और दूसरे को <laughs> समझ के लेने का टेक्टिक जो है ना वोमेन डेवलप होना चाहिए वो नहीं है लोगों में अभी देखना तेरे क्लास में भी आई कैन टेल यू की नाइनटी सभी तू छोड़ के सभी जॉब के लिए क्या कर रहेंगे स्ट्रगल दो तीन पकड़ लेते हैं कि जो एमबीए या एमएस करने चले गए बाकी तो कोई अंतप्रनय का ऐसा मतलब ये करता नहीं रिस्क उठाता नहीं टेंशन रहता है सर पे मंडराता है वो तो हार्डशिप है वो बराबर है अरे बहुत लोनली पाते हैं ऐसा ना कि आ, इसके अपने रोलर कोस्टर राइडर है इसके अपने हाईज है और इसके अपने लोस भी है बराबर तो जब इनको सब बोलते ना क्या रे तेरी लाइफ तो सेट है यार तू तो यार कभी हमेशा ना दूसरे की थाली में क्या अच्छा लगता है बट वैसा नहीं को कभी -कभी पूरी भी काम करना पड़ है कभी -कभी पूरा दो -तीन दिन काम करेगा, फिर एक दिन छुट्टी ले लेगा जॉब में कैसा रहता है कि मंडे टू फ्राइडे स्ट्रेस है तो उनको क्या लगता है कि तू फ्री है बिकॉज तेरे को टाइम का ऑब्लिगेशन नहीं है बट उसके अंदर हार्डशिप्स है ना तेरा लॉस मतलब तेरा लॉस में ना हाँ, इसमें Job? कैसा होता है पता बताए hmm. हाँ यहाँ तो वीकेंड छुट्टी मिलती है hmm. पर हम लोग ना छुट्टी लेते ही नहीं है क्यों क्योंकि ये मेरा काम है बराबर तो मैं थोड़ी दूंगा ये मेरा काम है hmm. तो यहाँ पे शुरुआत के चार पांच साल कहा हॉलीडे कहा हॉलीडे मतलब अभी मुंबई में मैं तो आराम से अगर मैं कहीं ऐसा दूसरा जॉब देख रहता तो राजस्थान निकल लेता था ना इधर तो इतनी सारी बीमारी फैली हुई है नहीं जा सकता है सपना बड़ा है मेरा और मैं नहीं हिल सकता मेरे को करना पड़ेगा इधर रुक के काम

अपन चाहते भी नहीं है क्या यार वीकेंड करे अपन तो यार वो की ये बनाते हैं ना यार ये चीज पे काम करते हैं ये प्रोसेस क्यों नहीं काम कर रहा इस पे करेंगे वो है बराबर नहीं एम्प्लॉय का भी वही है ना अभी वो लोग ही बोला कि हम लोग का लीडर ही खुद इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो हम भी क्यों इंटरेस्ट दिखाए दिखा हो जाएगा इसलिए तेरे को तो एंथुजियास रहना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट एंड अभी मतलब अभी अभी तो मतलब तेरा हाफ मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया

हाँ और उधर मेरे कोई दोस्त नहीं था मैं अस्सी लोगों के साथ गया था और तब मैं इंजीनियरिंग में ना बहुत इंसान था, को था मेरे को दोस्त नहीं था तो ना वहां मैं आज भी गया था मैं अस्सी लोगों के साथ गया था फिर भी मैं अकेला था कसम से कह रहा और वो वाली फीलिंग में थी लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश था क्या ना मेरे तो दो हजार सब्सक्राइबर हो गए और वो गुनगुन में पता है वो अपने अंदर ही अपन स्माइल कर ये सब तो ठीक है यार दो हजार सब्सक्राइबर हो गए यार आज साथ तो दो सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए मेरे वो तो फीलिंग थी ना यार, कि यार वो, वो वो बेस्ट फीलिंग थी मेरी कसम से यार क्यों ना उसके बाद ना मैंने चीजें प्रेडिक्ट कर ली तेरे और मेरे को मालूम था कि हो रहा है होगा तो फिर वो लाख पे भी ना मैं नॉर्मल था रे और पांच लाख पे भी मतलब अभी नॉर्मल वो नंबर्स वाली फीलिंग नहीं फिर वो अचीवमेंट का बता पता है वो जो और वाला जब तुम लोगों से मिलते हो ना वो खुशी एक अलग होती है कि यार मैं तेरे को बताता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग अगर जो रहेगी ना कि वर्तक कॉलेज में मैं स्पीच देने गया था पहली नहीं मेरी दूसरी थी में, अच्छा। जो मतलब अपने आजू बाजू वाले कुछ यूट्यूब मतलब था, था तो ना मैं निषाद को बोल रहा हूँ भाई मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की आई है और ये बंदा कितना तोड़ है अपने को क्या बात करेंगे अपन और अपने को कौन ध्यान देगा तो उसने बोला एक तो सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है इन सबसे ये लोग लाख सब्सक्राइबर है फिर पचास हजार सब्सक्राइबर है। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस देख गया का दिख रहे। और मेरे शूज नहीं है ही के बंदे का जूता लिया और फिर अपन गए स्पीच देने तो देख रहे अपन ये जुगाड़ वाला इंसान है लेकिन ना सबसे ज्यादा शोर एल का नाम आया था ना तो पूरी इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा आवाज मेरे टाइम की थी क्योंकि वो प्यार है वो कनेक्शन है जो मेरा मेरे लोगों के साथ है मैं मेरे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ ना मैं आगे के चार टीचर के साथ थोड़ी की थी मेरे को ज्यादा जानते थे और मेरे से ज्यादा कनेक्टेड थे रहते थे ठीक है, है वो लोगों से क्योंकि कनेक्शन तो मैं ना मैं का दोस्त हूँ तो वो बहुत मुझे प्यारा लगा कि यार इतना प्यार करते हैं मेरे लोग मेरे से तो वो लोग भी बहुत अच्छे थे जो दोनों लोग थे बाकी दोनों वो अपने काम में बहुत अच्छे और बहुत मचा रहे भी। पर यहां तो जनता अपनी है ना यार <laughs> अभी मतलब आ, तो, वो बेस्ट थी वो तो वैसे मतलब एलिमटी के अलावा अभी तेरा दूसरा चैनल भी मचाओ तो अभी हुँ, उसका आइडिया तुझे कहा कि वो चालू करना चाहिए अच्छा बचाओ बचाओ कैसा हुआ ना पता है कि मैं ना एक मैं बहुत फैलता हूं अपने लाइफ में मैं ना मतलब कि मेरे ना दिमाग में बहुत चीजें करने का शौक है मेरे को समझा गया तो एल हुआ ना तो एल कैसा हुआ पता है मैंने एल एम टी यूट्यूब चैनल शुरू किया था मेरी क्रिएटिविटी बाहर निकली तो जब मैंने यहाँ पे एक आध रैप का वीडियो डाला तो ना मेरे खुद के लोगों ने और के क्योंकि वो सही भी नहीं लग रहा है यार तुम पढ़ाने के चैनल पे ये दूसरी चीजें क्यों डाल रहा है छो रिलेटेड नहीं तो ना मैंने बोला यार के फिर तो मैंने नहीं डाल सकते तो वो नहीं डाल सकते तो नहीं। है तो फिर ना मैंने एक दूसरा किया मैं अपनी बक्चोरी डालता <laughs> मैं मेरे दिमाग में जो भी चीज है तो वहां मैंने ना पहले पोइट्री डाली नहीं, नहीं चली समझ लगा मेरे को एक बंदे के साथ बैठा था मैं इधर टपरी पे बैठा था मेरे दोस्त के साथ तो उसने बोला भाई पोइट्री होती है लोग अपन से पहुंच गया मतलब तुम मेरे को रास्ता बता दे मैं पहुंच जाऊंगा गया जहां पे लोग पोएट्री करते हैं वीडियो बनवाई खुद की दोस्त के साथ मस्त mm. वीडियो बनवाई हैबिटेट में परफॉर्म भी किया जो मेरे को इतना पोइट्री आता नहीं लेकिन इंजीनियर अपन कुछ भी कर सकते हैं तो वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखी भी हैबिटेट गया भी परफॉर्म भी किया और जोर शोर से परफॉर्म किया मजा आ गया लोगों को बोला अगले बार फिर से आना वो वाली बात करके आए और उसका वीडियो डाला लेकिन चला नहीं चला को जाते यार ठीक है तो उसके बाद मोटिवेशन बहुत शौक मोटिवेशन करेंगे तो वो भी डाला दो तीन ये वाली बातें वो वाली बातें इसकी बातें उसकी बातें नहीं चली तो यहाँ पे देख रहा है एक्सपेरिमेंट मतलब हो रहे हैं मैं ये नहीं कर रहा कि यूट्यूब मेरे बस का नहीं है मैं एक चीज बहुत सक्सेसफुल है और मैं दूसरी चीज में भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि यार ठीक है, कुछ भी शुरू किया तो चालू हो जाएगा नहीं चलता ना यार टीचिंग अच्छे से आती है ये चीजें नहीं आया फिर ना एक दिन ऐसे ही बैठा था तो मैं बोला यार बिट आती है तो बिटबॉक्सिंग सिखा देते लोगों को ठीक है ना हिप हॉप एक बहुत बहुत तगड़ी चीज है यार हिप हॉप में किसी से डरता नहीं है अगर तू तो मेरे को मेरे लाइफ में हिप हॉप आया था स्टैंडर्ड में मैं ना बहुत नूब सा बंदा था कोई भी टपले मार के चला जाता था रे मेरे को <laughs> तो ना मैं बोला ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजारनी है कि कोई भी मार के चला जाए और हाइट बॉडी है नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में तो ना आयुष करके एक बंदा था वो हिप हॉप करता बी बोइंग करता था तो अपन भी बीबोइंग करना घास में प्रैक्टिस करने लग गए वो लोग को दोस्त बना लिया और नाम भी रख लिया बी बो इंजीनियर तो उसके बेस पे आज इंजीनियरिंग उसके आगे के इंजीनियर छोड़ी तो तो नहीं।, करके, करके तो नहीं।, नहीं।, नहीं तो उधर फिर ना इज्जत मिलने गई रे क्या यार, यार ये तो डांस करता है। तो को टपली वी नहीं मारता था साथ में खड़ा करते थे लोग यार अच्छी चीज है और रिस्पेक्ट मिलती है यार और धीरे धीरे ना तुम ऐसा खुद में अपने आप स्टाइलिश हो जाते हो क्योंकि तुम अलग 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 डाइवर्सिटी डाइवर्सिफाई लोगों से मिलते हो ना डाइवर्स लोगों से मिलते हो जिनकी अलग अलग सोच है और वो डरते नहीं है हिप हॉप के बंदे ना बहुत अगर तू तो डिवाइन को देखेगा तो तेरे को डिवाइन डरने वाला बंदा नहीं दिखेगा नहीं। वो सर फोड़ने वाला बंदा है अगर तू देखेगा तो बोला ऐसा कि शूटर होते हैं लड़के लोग तो अगर तू शूटर लोगों के साथ रहेगा तो तू डर के कितना रहेगा तो शूटर बनना पड़ता है तो हिप हॉप एक ऐसी चीज है ना तो तुम्हें शूटर बनाती है और हिप हॉप का मेन मकसद यही है कि तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं वो तुम्हें बयान करनी है और डरो नहीं, नहीं बयान करने में तो तुम तो बी बोइंग में भी बंदा अपने स्टाइल अपने स्वैग से चीजें बयान करता है रैपिंग में अपनी कहानियां वो शेयर करता है बीट बॉक्सिंग में खुद की ब, बीट से वो अलग अलग अपनी बातें बोलता है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके वो अपनी कहानी बताता है एक आर्टिस्ट अपनी कहानी बताता है क्योंकि वो सारी बातें रोजमर्रा नहीं बोल सकता इसलिए वो अपने आर्ट के थ्रू बताता है और हिप हॉप एक जरिया है अपनी बातें बताने का तो मैंने बोला बीट बॉक्सिंग से शुरू करते हैं तो मैंने ट्यूटोरियल डाला और वो चल गया रे और मेरे को सिखाना तो आता ही था तो वो इतना चला कि लोग और डिमांड किए फिर अपन ने सोमिल के साथ बैठे सोमिल करके मेरा दोस्त दोस्त है 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 तेरा भी अपन कॉमन फ्रेंड अपना तो सोमिल आया हम लोग ने वीडियो बनाया हम लोग ने गूगल किया क्या और क्या क्या चीजें होती है उसको सीखी और डाल दिया अपलोड में अब वो मेरा कनेक्शन है ना यार क्योंकि मेरे को जनता के साथ जानता हूँ मैं मेरे लोग है तो मेरे को सिखाना बहुत अच्छे से आता है और बिट बॉक्सिंग भी आती थी तो ना वो छू गया रे लोगों को बहुत कनेक्ट कर गए लोग तो वो फिर चैनल बूम हो गया फिर अब क्या हो गया कि अब मैं कुछ और डालने लगा मचाओ पे तो लोग बोले क्योंकि वहां पे भी और लोग कनेक्ट हो गए जो अपने टीम में आए बोले यार नहीं नहीं मचाओ पे ये नहीं डाल सकते मैं बोला हमें डाल सकते नहीं डाल सकते तो फिर थर्ड चैनल शुरू किया जिसका नाम था सोशल किताब जहां पे मैं हाँ इंस्टाग्राम पे किस तरह से कंटेंट बनाया जाता है ग्रो कैसे किया जाता है यूट्यूब इंस्टाग्राम वो बताया जहाँ पे अभी कुछ तीन हजार नौ सौ सब्सक्राइबर है वहां पे भी मैं फिर ये पता चला कि यार अभी सोशल मीडिया के बारे में डाला है तो सोशल मीडिया के बारे में डालो यहाँ दूसरी चीज नहीं डाल सकते तो मैंने चौथा यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें भी अभी कुछ तीन हजार सात सौ या तीन हजार नौ सौ सब्सक्राइबर है जिसका नाम सुमेर सिंह शो है तो अभी मैं चौथे चैनल पे अपना बक्चोदी डालता हूँ तो ना मैं इतना फैला हुआ हूँ ना कि मेरे को चैनल कम पड़ रहे हैं <laughs> तो मैं बोला कहा, कहा मैं अपनी बातें बता सकता हूँ मैंने पॉडकास्ट भी शुरू किया है ब्रो तो अगर तुम मेरे पॉडकास्ट सुनेगा ना तो वहां पे मैं मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ जो अपनी जिंदगी में अपन ने सीखा जो अपनी लाइफ में चल रही है बातें और जो गुजरी जो हुआ वो सारी चीजें वहां शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे को जरिया चाहिए मेरे पास बहुत कहानी है मैं पिछले बीस साल तक चुप बैठा था इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर तक मेरे दोस्त लोग नहीं थे ज्यादा तो मेरे पास इतनी सारी कहानियां है वो बताऊँ किधर में तो इसलिए ना बोल रहा ये बोले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बोलना बाकी है भाई

बहुत ज्यादा है क्योंकि ना लोग मेरे से बहुत कनेक्ट होते हैं और वो लोग सीखते हैं तो मेरे को सबसे प्यारी चीज क्या लगती है पता है कि एक साल का बच्चा कर रहे हैं। दस साल का बच्चा बिटबॉक्सिंग कर रहे हैं और वो लोग जाके अपने कॉलेज में स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं और वो अप्रिसिएशन इनको आ रहा है तो वो पावर आ रही है इनको अभी लोग भूल नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं सकते ये लोग कूल बंदे हैं ये लोगों को अपनी आवाज निकालने आती है तो वो एक फीलिंग जो है ना यार मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है उन लोगों के लाइफ में वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग है और उसके अलावा तो यार कि अच्छे अच्छे लोग मिला यार मतलब अभी जैसे कि बीड की कम्युनिटी के लोग अभी मेरे को जानते मतलब जिनके अपन वीडियो देखते थे वो लोग अपने को जानते आ, वो लोग बात करते तो वो अच्छा रहता ना कि यार इतने बड़े अपन ने तो कभी सोचा नहीं था दो मेरे व्यूज उनसे ज्यादा है <laughs> पर अपन जानते हैं ना असलियत क्या है अपने को मालूम है ये बंदा बहुत मेहनती है और ये बहुत अच्छा आता है इसको बिट बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है तो वो अपन जानते हैं और अपनी मेरे लिए यार बीट बॉक्सर इंडिया के बहुत इज्जत है यार यार अपने को बहुत मेहनती इंसान है नहीं वो ऐसा ही रहता है कि मतलब उसको बीट बॉक्सिंग तेरे से अच्छा आता रहेगा जैसा तूने बोला बट तुझे सिखाना उसको अच्छे से आता है वो लोग सिखाते नहीं रहेंगे नहीं स्किल में हाँ वो लोग सिखाने में उतने माहिर नहीं है

वही बोलेंगे कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है मेरे पास लाइट्स नहीं है मेरे पास माइक नहीं है हम लोग करेगा ऐसे कंटेंट में दम रहेगा तो सब कुछ हो जाता है तो उसके लिए मैं ना एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ क्या होता ना कि सिक्स सेम में वीडियो बना लिया था, था, था दो आ, ऐसे ही बना लिया था कि वाइवा हुआ था और तो मैं स्टोरी शेयर करता हूँ ये छोटी स्टोरी जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एल शुरू कैसे हुई कॉलेज में असाइनमेंट दिए जाते हैं क्लियर है तो अपने को एक असाइनमेंट दिया था कॉलेज की स्टार्टिंग डेज मतलब एंडिंग हो गई थी, थी तो मैं असाइनमेंट सबमिट करने गया ना तो सर ने बोला कि मैं वाइवा लूंगा अरे असाइनमेंट के कौन वाइवा लेते हैं यार <laughs> मैंने तो जल्दी लिख दिया था इसलिए मैं वाइवा सबमिट करने आ गया वाइवा ले रहे हो तो उन्होंने दस क्वेश्चन पूछे अपने को एक भी नहीं आया तो उन्होंने समझा के भी भेजा तो अपन वो दस पढ़ गया है तो उन्होंने कुछ और पूछ लिया और सर ने भगा दिया मेरे को दो तीन बार भगा दिया मेरे को यार अपन इंटरनेट से सीखते हैं अगर जो भी इंटरनेट से नहीं पढ़ रहा तो मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी ना समझे ना तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो ये कुणाल शाह की भी एडवाइस है अगर जिसने क्रेड लॉन्च किया है बंदा जो फाउंडर है उसने बोला यार कुछ भी ना समझे ना तो सीखो चीजें किस तरह से काम कर दिया तो अपन ने जाके एसपीसी कंपाइलर सर्च किया वहां पे गुरु जी आए रविंद्र बाबू रघुला रविंद्र बाबू रबूला गेट के कंप्यूटर साइंस के गुरु मतलब गॉड फादर क्लियर है तो अपन ने उसके वीडियो देखे एक एक घंटे का वीडियो था लेकिन मजा आ गया क्या सिखाया बंदे ने दूसरे दिन आया मेरा सर पूछो अपन ने दिया असाइनमेंट सर ने पूछा और अपन रैप की तरह आंसर दे रहे यो यो सर बोले सही है तो सर ने नौ मार्क्स दिए दस मार्क्स आपको तभी मिलते जब आप टेंट पॉइंटर वाले बंदे हो या फिर आप टीचर के साथ अच्छे से बात करते हो अपने को नौ मिले दस नहीं मिले फिर ना क्या हो गया ना कुछ लोग और आए वाई बात अब ये असाइनमेंट का बात तो सर को भी पता था सुमेर को आप ये चीज सर ने बोला ना सुमेर तू आई वा ले बोला मैं ले मैं लाओ और बंदे आए अपने सामने बैठे अपन ने उनको चार क्वेश्चन पूछे इनको कुछ भी नहीं आता जो मेरी कल शक्ल बनी थी आज इनकी बनी है तो अपन ने भगाया नहीं रे अपन ने बैठा के सिखाया तो अब एक रैपर अब एक रैपर सिखा रहे हैं समझ रहे क्या तो किस तरह से सिखाएगा यार वो तो एकदम कहानियों के सारे ऐसा ना वैसा ना ये ट्रांसलेटर क्या होता है ये अपना आ, बंगाली आदमी है और ये बंदा है इसको इंग्लिश आती है तो अभी <laughs> बंगाली और ये लोग कैसे बात करेंगे समझ आएगा जो कंप्यूटर है उसको तो इंग्लिश आती है और अपना बंगाली में बात कर रहे हैं तो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक बंदा तो जिए तो वो होता है कंपाइलर जो बंगाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है तो वो कैसा मतलब क्रिएटिविटी तो समझ रहा है क्या मतलब वो सब सब निचोड़ के अलग अलग आइडिया जो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अपने सिखा लोगों को मजा आ गया और मैं तो दस नंबर भी दे रहा था तो सब मेरे पास आने लगे आप वाइवा देने को और एक छोटा सा वाइवा था इसमें कुछ था नहीं तो मैंने बीस लोगों का वाइवा लिया और अभी ये था फ्राइडे फ्राइडे को मैंने वाइवा लिया मंडे को रियल वाइवा था और ना मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी आ गई मेरा यार मेरे क्लास में अस्सी बच्चे मैंने सिर्फ चालीस लोगों का बीस लोगों का वाइवा लिया बाकी साठ बच्चों का क्या होगा बराबर तो देख रहा है मतलब वो क्या बाकी बच्चों का होगा क्या मंडे को ओरिजिनल वाइवा वो किस तरह से करेंगे मेरे को बहुत फिक्र होगा ये लोग और ऐसे होनी भी नहीं चाहिए पर पता नहीं उस दिन बहुत फिक्र हुई मैंने बोल रहा यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा कॉलेज के असाइनमेंट पेजेस मतलब वो प्रिंट आउट पेजेस मिलते हैं उनपे लिखा मैंने अपने सारे नोट्स फिर देखा ये हैंडराइटिंग तो नहीं चलेगी अपनी बहुत गंदी है नहीं। ये तो नहीं जाएगा वीडियो में तो मैंने मेरी बहन को बोला उसने रिराइट किया फिर प्रतीक को फोन किया तेरे घर पे आता हूँ चालीस लोग अपना वीडियो देखेंगे ठीक है पांच सौ ने वीडियो देख लिया दो दिन में फाइव हंड्रेड पीपल वॉच माई वीडियो इन टू डेज दैट डे आई लर्न हाउ टू अपलोड एंड एवरीथिंग आई लर्न ऑन बाई माई सेल्फ मैं खुद कैसे करता हूँ चीजें वो मैंने खुद सीखा इतना क्लियर है उसके बाद दूसरे दिन जब रहे तो अभी अपने एक दोस्त था वो टॉपर के पास गया कुछ डाउट पूछने तो उस टॉपर ने बोला कि यूट्यूब पे सुमेर ने वीडियो डाला वो वाला देख मैं भी वहां से पढ़ी हूँ एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग अपने को मतलब अगर कोई टॉपर आपको रेफर कर रहा है तो मतलब कुछ तो है तो ठीक है माला फिर वो सैम चला गया फिर तो अगला सेम आया तो अपने को तो जादू पता था कि YouTube पे इंग्लिश में वीडियो देखो और फिर उसको हिंदी में शॉर्ट वीडियो बना लो एक घंटे का वीडियो को दस मिनट में कन्वर्ट करो और YouTube पे डाल दो चल जाएगा पर फोन नहीं था पहली चीज और बार बार हर दोस्त को उतना भी परेशान क्या ही करो समझ रहे क्या तो ना ये एक चीज बड़ी प्रॉब्लम थी कि फोन था ही नहीं मेरे पास और दूसरा मेरा स्कैम क्या हो गया पता है ये जो करंट चार्ज सब्जेक्ट है ना डी क्रिप्टोग्राफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपना इमेज प्रोसेसिंग इसके यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं थे तो hmm. मेरा मेरा जो जो स्कैम था जुगाड़ था वो तो फेल हो गया hmm. अब ना मेरे पास फोन है और दूसरी चीज के ना मेरे पास जुगाड़ है तो yeah. ये जो अभी सेम सिचुएशन है जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास कैमरा नहीं है ये नहीं है तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को अपने सपने बता दो तो मंचा करके किराने की उनकी शॉप है मैं उनको बोला मैं यार ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ मैं कुछ आ, फोन नहीं है मेरे पास तो मंचा ने, ने बोला मेरा फोन ले ले तो मैं किराने पे बैठता तो हूँ क्या पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए तो हमें खुद पढ़ना बहुत अच्छे से आता है अगर तुम वो दस मिनट का वीडियो बना रहे हो ना तो उसके पीछे एक घंटे की मेहनत है तब वो दस मिनट का वीडियो बहुत औसम बनता है बहुत तगड़ा बनता है समझ रहे हो क्या

इतने बुरे नहीं होते यार बहुत अच्छे होते हैं पानी भी नहीं भी पिलाते हैं टिफिन भी लेके आते हैं अच्छे लोग होते हैं अपने को लगाता है यार ये लोग तो काफी बोरिंग इंसान है पर नहीं उतने नहीं होते हैं अच्छे लड़के होते हैं समझ रहे हैं तो वहां पे उनकी कहानियां सुनी उनको समझा उनको उनके साथ माहौल अपना अच्छा है अपने अपन किसके साथ भी बैठ जाते हैं समझ रहे हैं तो वो बैठे और बहुत मेहनत की और फिर वीडियोस बनाए और जब वो वीडियोस बनाए तो मेरे को पता था कि ये चीज इंटरनेट पे नहीं है तो जब वगैरह मैं डालूंगा तो हिट होंगे ही तो पार्ट तो सिंपल था ना कि पता है ये चीज नहीं है तो तो डालोगे हिट होंगे आज भी काफी चीजें है कि तुम्हें भी पता है कि अभी करंटली क्या क्या, क्या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो तो वो हुआ फिर वीडियो इतने बनने लग गए कि घंटा दिन का कम पड़ रहा था तो मंशा को बोला एक काम करो आप रात को सो जाते हो तो रात को मेरे को मोबाइल दे दो तो सुबह पूरा दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता था और रात भर मैं वीडियो बनाता था और मेरी बहन ने बहुत मदद की उसमें क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं था तो वो ऐसा कैमरा पकड़ के खड़ी रहती थी तो, और एक दिन मेरे को याद है कि हम लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं और उसके पैर में कॉकरोच चढ़ रहे हैं <laughs> पर वो वीडियो नहीं अटकना चाहिए क्योंकि लैपटॉप में एडिटिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है ओह लैपटॉप बंद हो जाता है तो आ, दो टेक पे नहीं होता एक ही टेक पे बना रहे तो बना अगर तू समझ दस बारह या पंद्रह मिनट का वीडियो जा रहा है और तू तो चौदह मिनट पे अटक गया ना तो यू हैव टू रीटेक इट बाप रे बाप

अ मेरे पास सामान नहीं है तो ये स्टोरी जरूर सुन लेना बराबर <laughs> नहीं नहीं सच्चे में मतलब 250 वीडियो मतलब बिना मोबाइल खुद का रहे करना बहुत टफ है बहुत एंड नहीं मतलब इनको उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने तेरे को ये मोमेंट में सपोर्ट किया अभी क्या है कि अरे मतलब नहीं नहीं भाई हमेशा मतलब जिंदगी भर याद रहेंगे लोग ऐसे

उसने पूरा वर्डप्रेस पे सब डिजाइन किया और उसने वेबसाइट लॉन्च की मेरी जो सूरज करके बंदा है समझ रहे हैं और बहुत बड़ा जुगाड़ू इंसान है उस बंदा और उसने सब किया मेरे लिए और तब वो वेबसाइट की घोषणा वहां से हुई थी 2017 में एक बंदे ने मेरे लिए वेबसाइट बनानी और आज भी मैं वो इस इंसान से बहुत कनेक्टेड हूँ मेरा बहुत खास बंदा है वो समझ रहे हैं तो कि वो

नहीं, मतलब ये रहता है कि जब ये लाइफ के तेरे सौ दोस्त रहेंगे ना में मदद नहीं करेंगे एक, रहता ही है, नहीं। एक एक रहता ही है वो कुछ भी हो चाहे वो तेरे साथ रहेगा ही मतलब वही है इम्पोर्टेंट और वो एक ही बंदा आगे लेके जाएगा तुझे और निन्यानवे कभी आएंगे पता है जब भी तेरे को एक हजार लोग जानना चालू करेंगे ये बात रहती है वो तो यहाँ पहले ने ने ये ने? जो यही है हाँ, वो एक इंसान अपना पाजी है रे तो तेरे को भी पता हो तो मेरे देखता है। ये ना मतलब कोई सुपर कूल स्कॉलर इंसान नहीं है रे। पर नहीं। मेरे साथ खड़ा है मेरे अच्छाई में मेरी बुराई में वो मेरे साथ खड़े और ना लाइक कैसा ना मैं कैसा खुला मैं तेरे को बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोला ना कि थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा कोई दोस्त नहीं था ये बंदा मेरे को मिला एकदम ऐसा कार्टून सा इंसान है पाजी तो एक है बहुत कार्टून इंसान मतलब यार वो अजीब है वो बहुत बगल। और वो बहुत वो बहुत फैला हुआ इंसान है वो, वो चलते फिरते लोगों को दोस्त बना लेता है भाई वो चलते फिरते अगर वो यहाँ से अगर तू मतलब पांच मिनट की दूरी में हो तू उसके एक इंसान से अगर वो मिला है ना तो उसके घर की प्रॉब्लम इसके घर की प्रॉब्लम हो जाएगी बोलेगा यार मैं देखो बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से हनुमान मंदिर जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल है हम लोग यहाँ से हनुमान मंदिर जा रहे हैं मेरे बिल्डिंग के दो बंदे हैं जिनको मैं हाई बाय करता हूँ और कभी कभी मैं मिलता हूँ पाजी उनको पहली बार मिल रहा है और हम लोग यहाँ से हनुमान मंदिर तक गए और पाजी उससे क्या पता, क्या पता बात कर रहा है भाई मैं और पार्थ आगे चल रही, ये रवि भाई से बात कर रहा है और आगे आके फिर पाजी को मैं पूछा क्या बात कर रहे हैं बता रवि भाई बहुत मुश्किल में मतलब क्या हो बता रवि भाई को पचास लाख रुपए चाहिए यार वो रवि <laughs> भाई को खुद का कंपनी डालना है और रवि भाई की केटी नहीं निकलती यार उनको यार छह केटी है यार उनका ड्रॉप लगा हुआ मतलब मैं इस इंसान को इतना आज तक नहीं जानता था तूने पांच <laughs> मिनट की मुलाकात में इतना कुछ उसने कम्युनिकेट कर लिया यार और hmm. वो पाजी इतना वो बंदा एक अलग लेवल पे तो ना मैंने अपनी धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियां छोटी छोटी, छोटी बातें ना मैं पाजी के साथ शेयर करने लगा hmm. जो भी मेरी इनसिक्योरिटीज थी या फिर मेरी कहानी थी मेरे जोक्स hmm. थे hmm. और उसको ना मजा आने लग गया वो खुश होने लगा मैं बोला यार मेरी बातों में भी इतना कॉन्फिडेंस है क्या मेरी इतनी भी सही बातें होती है क्या

तो तूने बहुत मतलब अभी नोफेप के बारे में बोला है, ओके okay, तो मतलब बहुत लोग इसको सेंसिटिव टॉपिक समझते हैं, तो हम लोग अभी आज इसके ऊपर थोड़ा बात करते। तो मैं तुझे ये पूछना चाहूंगा कि इसका हेल्प तुझे नोफेप का हेल्प मेरे बिजनेस में कैसा हुआ कि वो में बहुत ना बहुत लोग लो इस चीज में इंजीनियरिंग में बहुत लोग उनको लगता है कि वो अफेक्ट नहीं कर रहा ब्रो ना इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ब्रो क्यों पता है वो सबसे पहले जो चीज तू देख रहा है वो क्या hmm. होता है ना इट इज लाइक अ ड्रग इट इज लाइक अ सिगरेट और एनीथिंग या दैट इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम यू कांट हैंडल इट सो यू गो एंड वॉच पॉन एंड फैप इट बराबर समझ रहे क्या सो यू आर यूजिंग एट एन एस्केप अगर तू तो उसका एस्केप hmm. यूज उस कर रहा है वो गलत है ना तू इसलिए नहीं कर रहा कि तेरे को मजा आ रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि तू को प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहा तू इसलिए कर रहा है क्योंकि तू ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहा तू इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे को भागना है सिचुएशन से यू यू आर नॉट फेसिंग इट गॉट मी तो वो नहीं। नहीं। उस तरह से लोगों की आदत बन गई है कुछ नहीं हुआ अच्छा दिन बुरा दिन क्या फैपिट ये हो गया तो फैपिट ये हो गया तो फैपिट अब उससे क्या हो रहा है बताए जो अभी तेरी दिमाग को जो डोफोमिन रिलीज है ना वो नम हो चुका है समझ रहे हैं क्या अब डोफोमिन क्या होता है थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम कुछ भी करते हो ना लाइफ में तो तुम्हारे अगर फॉर एग्जाम्पल एक, एक मैराथन रेस है जिसके लिए मैं तीस दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने दौड़ के वो मैराथन रेस कम्पलीट की।, तो की तो मेरे दिमाग में वो वो खुशी आई वो एक हैप्पीनेस आई और एक केमिकल रिलीज हुआ जिसका नाम होता है डोपोमिन तो वो सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दिन मेहनत करने के बाद और इतना दौड़ने के बाद जो डोपोमिन रिलीज हुआ वो सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस मेरे को फोन देखने से मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैं तो वो वाला सेकंड रास्ता चूज कर exactly. तो ना मैं सेकंड रास्ते को और आ, देखो किसी कोई भी इंसान एक बार सिगरेट पीता एक सिगरेट तो hmm. कंटिन्यूस रोज एक सिगरेट पिएगा ना तो उसको और चाहिए एक सिगरेट hmm. से उसका अभी मन नहीं पड़ता क्योंकि उसको बंद हो गई है बराबर तो वो अभी दो पीता है चार पीता hmm. है किसी की बारह बारह हो जाती है तो उसी तरह से तुम नॉर्मल पौन से शुरू करते हो फिर तुम ऐसे लेवल पे जाते हो तुम्हें हाई लेवल ऑफ डोफोमिन चाहिए तुम्हारे हाई लेवल ऑफ डोफोमिन की वजह से तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी खुशी है ना वो तुम्हारी बंद हो गई है रे अब तुम्हें कुछ अच्छा खाने से उतनी खुशी नहीं मिलती या फिर कुछ छोटी चीज तुम्हारी लाइफ में हो जाए तो यूर नॉट हैप्पी यू जस्ट डल लेजी है समझ रहे क्या तो तुम तुम ब्रेन तुम्हारा बढ़ गया तुम ज्यादा सोचने लगते हो हमेशा दिमाग में ही रहते हो अपने एक्टिव प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहते बोल नहीं पाते उतना से से टाइप से हो ज्यादा तुम्हें आके आके कम्युनिकेट नहीं करना लोगों से अपनी बात सामने नहीं रखनी डीले हो गए भी है इन में अगर तुम सही से नहीं जा रहे हो तो वो तो ना मतलब की तुम भाग रहे हो यार चीजों से तो मेरे को पता था मेरे को नहीं भागना है मेरे को फेस करना है लेकिन हो नहीं रहा था मैं तो ने लोग बताओ तो नोफैप करके कम्युनिटी थी वहां पे यार लोग रोज अपनी यहाँ पे बहुत सारी हैबिट बन गई जर्नलिंग करना मतलब तुम अपने बारे में लिख रहे हो तुम खुद को जान रहे हो तुम खुद के ट्रिगर समझ रहे हो खुद के सपने समझ रहे हो खुद के गोल समझ रहे हो जर्नलिंग हैबिट है जो बहुत करोड़पति हर बड़ा आदमी जर्नलिंग करता है समझ रहा है क्या वो अपने गोल्स लिखता है तो वो यहाँ पे तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में करने थे ये सही है वहां पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने जापान से मेरा एक दोस्त है कोहे करके वो मेरा नोफेप से दोस्त बना भाई <laughs> समझ रहा है क्या? तो और यार वो मेरे को मैं आज नहीं मिला तो <laughs> कि एक को बहुत से वहाँ पे तो और खुलते हो यार तो वहां से वो चीज हुई तो जब अपन ने ये करना बंद कर दिया तो अब वो एनर्जी है वो एनर्जी अभी आपको कहीं ना कहीं तो डालनी है अगर तुम एनर्जी को आ, रिप्लेस नहीं करोगे वो हैबिट को किसी और से या फिर वो एनर्जी को ट्रांसम

मैं बाहर निकला मैं लोगों से मिला मैं कम्युनिकेट किया मैं एक्सरसाइज किया तो मेरी पूरी लाइफ बदल दी रही उस चीज में क्योंकि मेरे को सिर्फ अपनी जो फैप करते या फिर सिचुएशन से भाग नहीं था मेरे को सिचुएशन को फेस करना था तो वहां पे नो फैप ने मेरी मदद की और वो एनर्जी को यूज करके भाई अपन ने चार यूट्यूब चैनल खोल दिया अपने कर ही जा रहे मतलब और क्या कर सकते और क्या कर सकते बाहर निकला लोगों से मिला पार्टिसिपेट किया लोगों से कम्युनिकेट किया पहले नहीं करता था मैं इतना कम्युनिकेट मैं बाहर गया लोगों से मिला कुछ लोगों ने भगा दिया मेरे को माना ठीक है बहुत लोगों से मैं बात किया मैं डरता ही नहीं था अभी क्योंकि मेरे को पास कुछ करने को नहीं है मेरे को वो एनर्जी यूज करनी है तो बाहर निकलो लोगों से मिलो बात करो तो ना वो कहीं बहुत जगह मेरे को यूज है अब लोग उसको ना किस तरह से मैंने खुद ने पे पे वीडियो वीडियो बनाया शो वो तो अब अभी जो मेंटालिटी है मैं वो बताता हूँ सुनना गाँव में कुछ लोग मिले वो लोग जानते कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ मेरा लास्ट मोटिवेशन करके चैनल है तो वो सेंसिटिव जो टॉपिक लोग समझते ना उसी पर मैं बता रहा हूँ तो बोलता है यार तो अच्छा वीडियो बनाता मजा आया बहुत सारे तेरे वीडियो देखे लेकिन वो एक वीडियो देख के ना बहुत घिन आई मेरे कोटेड है, तो है ये लोग सिर्फ गाँव में नहीं रहते ये लोग ग्रेजुएट है समझ रहे तो मतलब यहाँ बी एर बाईस बना रहा है बंदा शलील जामदार बना रहा है हर बड़ा आदमी इसके बारे में बात कर रहा है बोलता है वो लोग बड़े लोग हैं बोला बड़ा आदमी तभी बनता है जब वो बड़े एक्शन लेता है वो चीजों पे करता है जो कोई नहीं कर रहा लेकिन मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला क्योंकि मेरे को उसके मुंह लग रहा नहीं था अब वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, है? ये हुआ अब मेरे डैड को मैंने तो इन्फॉर्म किया था कि अपन ने ऐसे वीडियो बनाया है तो मेरे डैड को डैडी के सामने वो टॉपिक निकाल रहे बोलता अरे वो सब तो सही है लेकिन वो वीडियो बनाया था इसने मेरे डैड को वो वो नीचा दिखाना चाहता बनना वो समझ रहे हैं कि इस टॉपिक पे बात क्यों कैसे कर सकता है मतलब करूंगा Mm. तुम लोग तुम्हारी सोच मुझे नहीं रोक सकती ब्रो समझ स्टॉप इफ यू कैन आई हैव अ डिफरेंट सम अमाउंट दुनिया बहुत भाई दुनिया में सात सौ करोड़ लोग हैं mm. मैं चार लोगों की बातों पर लोग कहते हैं ना चार लोग मैं रुक नहीं सकता और मैं रुकूंगा भी नहीं माई इमेजिनेशन माई वर्ल्ड एंड माई टॉपिक आई विल टॉक क्योंकि देख रौनक वो वीडियो को पैंतीस हजार लोगों ने देखा है लोग वहां पे कमेंट करते हैं कि आई एम स्टार्टिंग नो नाउ कुछ तो लोगों की लाइफ बदली है ना यार अगर लोग रिलेट ही नहीं करते तो मेरे लाइक से ज्यादा मेरे को डिसलाइक आते थे आई गॉट प्लस दे रहे यार वो तो मुद्दे पे मैंने ओपनली बात की है कोई नहीं कर रहा मैंने की मतलब हाँ यार सिर्फ ये स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं है भाई तकलीफें ये भी थी यहाँ से भी गुजरे अब लोग फंगल इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताते खुजली सबको हो रही है एवरी टीन एज फेस प्रॉब्लम बट नो बड़ी टॉक्स अबाउट इट वहां पे एक पॉडकास्ट होना चाहिए यार के के बारे में, नहीं। के बारे में तो, अब <laughs> में में और खुजली तुम लोग फेस किए हो लाइफ लेकिन तुम्हें बात तो नहीं करनी उसके बारे में तो नहीं वो तो गंदी चीज है गंदी चीज नहीं है लोग मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करते बोलता अरे ये तो पागल है पागल नहीं होता यार कोई तो वो सारी चीज जो है ना कि उसके बारे में तुम ओपन अप जितना होगे उतना ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाओगे तुम लोग उतना बोलेंगे कि हाँ यार ये तो सेम चीज है यार बराबर तो वो चीज है कि जिस तरह से नोफे मेरे लाइफ में अफेक्ट किया किस तरह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है वीडियो बनाने से और मेरी क्या मेंटालिटी है तो आ, नोफे ट्राई करो क्योंकि अच्छी चीज है तुम्हें डिसिप्लिन में ला लेती है जरूरी नहीं कि हमेशा करो बट नाइनटी डेज तो कंप्लीट करने की कोशिश करो एक यार एक यार, एक यार वो विवेकानंद का है ना कि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है नाइनटी डेज भी एटलीस्ट तो यार लाइफ बदल जाएगी यार तुम्हारी अपन ने

हाँ तो साइनस के ऊपर अभी कोई बात नहीं करता है तो मैंने मतलब क्या है कि कि अपने को तो पता है एलोपैथी का मुझे कुछ इतना असर हो नहीं रहा था तो मैंने गया साइनस क्या होता है है मेरे को भी नहीं साइनस मतलब अपना नाक ऐसा बंद हो जाता है देख और बार बार सर्दी होगी थोड़ी धूल उड़ी नहीं को सर्दी हो जाएगी ओके okay. हाँ तो सीवियर साइनस का इश्यू था तो अभी मुझे पता था कि मुझे अभी इसको मेरे लाइफ से हटाना है जैसा अभी अपने को एक प्रॉब्लम है तो क्या अपन घर जलाते नहीं चूहे को मार देते हैं चूहा रहेगा घर में तो आरे। तो आरे। मैंने क्या किया कि साइनस निकालने के लिए मैं गया अपना आयुर्वेद आयुर्वेद मतलब अभी क्या है कि उसको क्रिटिसिज्म है मार्केट में क्योंकि वो बट देखा जाए ना तो एक जल नेति नाम का एक टेक्निक है तो ऐसा एक पॉट आता है जिससे तू तो ऐसा नाक में ऐसा साइड से सा ऐसा पानी डालेगा ना तो एक बाजू से पानिया कहते पूरी नाक साफ हो जाती तू रोज सुबह करेगा ना तो पहले बहुत तकलीफ हुआ तो पहले नाक में पानी डालेगा आग से पानी आता है पूरा ऐसा जलने लग जाता है नाक पूरा दिन गस, गले में जलन होगी बहुत हार्ड रहता है वो बट एक बार तेरी बॉडी अडेप्ट हो गई ना तेरे को जिंदगी में साइनस नहीं होगा जिंदगी में अभी देख ये टॉपिक के बारे में किसी को किसी को बोल दूंगा ना वो क्या बोलेगा अरे तू इतना पढ़ा लिखा है तू मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहा है तू ये ये सब में मानता है आयुर्वेद में ऐसे रहते लोग ऐसे भी बहुत देखे तो क्रिटिसिज्म है ना देख अगर तेरे लिए चीजें काम कर रही है अभी देख ना चीजें तेरे लिए काम कर रही है तो तू तो, तो विश्वास रखेगा ही ना अभी दूसरे की बात तो छोड़ दे चलो दूसरे किसी को काम नहीं करती कोई चीजें अभी अभी मैंने रिसेंटली एंगर पे पॉडकास्ट बना है उसके अंदर मैंने टेक्निक बताया एंगर को मैनेज करने के लिए तो यही रहता है अभी वो मैंने उसमें इसलिए बोल दिया एंड में कि दिस माइट वर्क फॉर सम पीपल इट वर्क फॉर मी इट माइट नॉट वर्क फॉर यू बट गिव इट अ ट्राई ट्राई करने में क्या जाता है ना

nobody is black and white the world is grey नहीं बराबर है तू open रहेगा ना मतलब opinions के लिए कि अभी समझ ले चल तूने तो क्रिटिसिज्म के बारे में बोला कि तुझे तुझे नो फैप का वीडियो करने के बाद तुझे क्रिटिसिज्म आया बट इट वाज नॉट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर इट वुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव बोला रहता कि हाँ वीडियो में और थोड़ा बहुत ऐड कर अभी इतना वीडियो अच्छा नहीं अच्छा बन सकता दैट वुड हैव बीन बेटर उन्होंने क्या किया कि ये बेकार है उधर गलत हो गया

यार मैं <laughs> <laughs> आ, नौ लोग का नहीं वही रहता है सोसाइटी का वैसे ही रहता है कि वो लोग एक रास्ते पे जीते एंड देख किसको कैसे अपने को हैंडल करते हैं वो अपने पे अभी आज कोई तरह फ्रेंड है समझ ले आ, जिसको दारू पीने की आदत है तो क्या क्या अपने उसको ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि मत पिया कर अच्छा नहीं है हाँ बट समझ ले कि वो तेरा सुनेगा नहीं तू भी कितना बताएगा ना फाइनली उसकी लाइफ है <laughs> वो अभी वो उसका मर्जी है कि उसको जाके पीना है गटर में पड़ना है कुछ तो करना है जिंदगी में ऊपर आना नहीं है वो करते रहेगा ऐसा है बट अपने को जो लगता है वो अपने को करना है है। कर exactly. कर तो 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 बराबर तो अभी एक अगला सवाल तो ये है कि वे डू यथ योर बिजनेस इन नेक्स्ट अपकमिंग फाइव इच साल बाद दिख रहा है पाँच साल में एल एम टी यार मेरे को खुद को नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट लेकिन कसम से यार के इतना ये क्वेश्चन पे तो यार खुद को बैठना पड़ेगा कि अगले पांच साल में कहा होना चाहिए यार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ठीक है ना इतना लंबा मैं कभी सोचा ही नहीं हूँ कभी लाइफ में अपने अपन तो यार वो आज का सोचते आज क्या करना है कल क्या करना उतना लेकिन सोचना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है तो मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ जहां पे मेरे को थोड़े लिमिटेशंस पैसों के प्रॉब्लम में ना अभी ना मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ रौनक पर मैं लिमिटेड कर दिया जाता हूं कि ये भी करते ना ये भी करते ना ये तो कर ही सकते कि पैसे नहीं है नहीं। ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते लेकिन इनमें ऐसे ये छोटी छोटी चीजें करके हम लोग ना बहुत छोटी से भी बहुत बड़ी चीजें बना रहे, रहे। तो समझ आएगा हमारे पास जो लिमिटेशन है ना हम उनको भी काट कूट के बहुत आगे बढ़ रहे तो अगर हमारी लिमिटेशन कम हो जाए ना तो हम बहुत तगड़ा मचाएंगे तो वो क्या है कि वो पैसों की जो लिमिटेड है ना जो मेरे मैं रोका जा रहा हूं तो ये भी नहीं कर सकता वो भी नहीं कर सकता क्योंकि तो पैसे नहीं है पैसों की कमी है आ, ये वाला बंदा नहीं ला सकता वो वाला ये मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत रोक दिया जाता हूँ क्योंकि सिचुएशन वैसी है तो अगले पांच साल में वो सिचुएशन हट जाएगी ना हाँ यार के ये 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 जो है ये ऐसा है यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो वो एक बहुत अच्छी चीज है अलावा जो मेरा मेन सपना है कि मैं सारे ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को कवर करूंगा और सिर्फ कवर नहीं करूंगा उनके जॉब के लिए प्रिपेयर भी करवाऊंगा क्योंकि कैसा होता है लोग बारहवीं में मेहनत फोकस करवाते हैं सब बड़ी बड़ी कंपनियां बारहवीं में फोकस करवा रही है और उसके बाद हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बाइजूस हो गया अन हो गया बारहवीं बारहवीं आई आई टी आई आई टी आई आई टी आई आई टी में जाने के बाद क्या ठीक है देख लो अपना ठीक है और फिर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उठाते अपग्रेड ये वो क्या हम नौकरी करें अरे यार तुम इधर का तो देखो कि साल में क्या कर रहा है बंदा नहीं। नहीं। तुम रहे उसको। वो तो असाइनमेंट उसको तो वो जो ब्रिज है वो मैं पूरा बना फिल करना चाहता हूँ यहाँ से फर्स्ट ईयर से शुरू करवाऊंगा फर्स्ट ईयर से लेकर नौकरी दिलाने तक साथ में रहूंगा तेरे और सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए नहीं भाई सिविल वाले को भी रास्ता बताऊंगा पी वाले को भी बताऊंगा रास्ता आई वाले को भी रास्ता बताऊंगा और दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी बताऊंगा कि भाई क्या क्या सही है अभी तुम्हारे लिए तो वो जो गैप है वो पूरा एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ मेरा सपना है और आ, मेरा एक सपना था कि मेरे को दस यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस अपने एल में लाने हैं तो मैं पांच ला चुका हूँ और वो पिछले चार महीने में हो गए सिर्फ वीडियोस लेक्चर्स नहीं है हमारे बाकी तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ला दी है कॉलेजेस विलेजेस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आगे एल एम पे तो वो वो भी हो जाएगा लाइक like, अगर मैं ड्रीम देख लूँ तो, 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 तो दे <laughs> एंड अभी एक लास्ट का सवाल है तो ये उनके लिए कि जो अभी अभी बहुत सारे एस्पायरिंग एंटोप्रनर्स रहेंगे जिनको बिजनेस डालने की चाह क्रिटिसिज्म के ताकि वो करते नहीं है या फिर सोसाइटी का सप्रेशन है पेरेंट्स का सप्रेशन तो तू उनको एज तो उनको क्या मैसेज देगा कि उनको जो वो सोच रहे वो करना चाहिए ओके okay. तो यहाँ पे ना दो टाइप के लोग होते हैं एक होते जिनको फैंसी वर्ल्ड दिख रहा है जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ये जगह तो भाई मत बन टू डोंट चूज दिस क्योंकि ना जो स्लैप मिलता है ना ऑन्टरप्रिनशिप में वो गंदा गिरा देता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉर्ड ऑफ पेन अ लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस एंड बहुत uh, गंदे दिन आते हैं इसमें अगर तू तो हैंडल कर पाएगा तो ही बनना अगर तू तो छोटे दिल का है कमजोर दिल का इंसान है तो कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे जिम्मेदारियां आती है और बहुत हार्ड टाइम है इसमें इट्स अन्ली पार्थ टू बी ऑनेस्ट तो जो फैंसी वर्ल्ड है वो लोग के लिए नहीं पर कोई इंसान है जाए जो या ना कुछ करना चाहता है जिसको कुछ चीजें बनानी है जिसको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करनी है पैशनेट है चीजों के लिए और वो रुका है कि यार पैसे नहीं है मेरे पास तो शुरू कर ले यार कहीं भी छोटे लेवल से शुरू कर ले सैटरडे संडे डाल के शुरू कर ले कोई नहीं साथ में आ रहा ना तो भी शुरू कर ले लेकिन सपना तेरा है कोई और थोड़ी आके तेरे को करेगा तेरे साथ कोई साथ में नहीं होता शुरुआत में कोई नहीं आता एंड देट टोटली फाइन अगर लोग मना कर रहे हैं और मेरे को मना कर दिया लोग अक्सर पूछते नहीं बोला यार मैं आपने आठवीं दसवीं में था यार तब मैंने एक बंदे को कॉल करके कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी का मालिक उसको मैंने फोन किया मैं बोला मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक का यह सामान बनाना है तो अगर आपके पास पैर पार्ट हो तो मेरे को दे सकते हो क्या वो बंदा बहुत हंसा फिर उसने मेरे को स्पेयर दिए भी और उसने मेरे को समर में एक इंटर्नशिप भी दी इलेक्ट्रॉनिक अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें कोई मना नहीं करता यार तुम अगर कोई चीज अच्छे से पूछ रहे हो जो तुम्हें लगता है कि तुम वो चीज बना सकते सकते हो हो फिर कुछ कर सकते हो, तो लोग मना नहीं, नहीं करेंगे और उसी तरह से मेरे पास भी कोई लोग आता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ मैं सामने वाले की किस तरह से मदद करता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते नहीं वो अपने दिमाग में ही मेंटली बना लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा वैसा अरे जाओ पूछो बताओ चार लोगों को और ना तो नॉर्मल है यार अगर तू शुरुआत में ना सुन लेगा और बहुत सारे लोगों से ना सुनेगा तो वो बहुत नॉर्मल है तू तो, क्रिटिसिज्म ना ये सब बहुत नॉर्मल है तू नो को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेगा ना तो मजा आ जाएगा बोले यार ठीक है वापस मिलेगा मेरे को वो, वो मंजी मूवी में है ना कि क्या लगा था वापस नहीं आएंगे अरे रुकेंगे नहीं जब तक पूरा तोड़ नहीं देते पहाड़ <laughs> तो वाली चीज है कि आई एम गोना कम मैन आई एम गोना ब्रेक दिस माउंटेन एंड आई वोंट स्टॉप अंटिल आई ब्रेक दिस माउंटेन समझ रहे क्या तो वो चीज है और तुम्हें लोगों को मैनेज करना सीखना है समझ रहे हैं? खुद से ज्यादा अपनी टीम को लेके चलना सीखना है खुद को पहले नहीं कि मैं मैं नहीं करना क्या कर, अरे मैं वी वी वाली जो चीज होती है ना वो तुम्हें लेके चलनी है आ,

Uh, बहुत टाइम लगता है ये आसान नहीं है गेम लंबा गेम है इट्स अ मैराथन नॉट अ हंड्रेड मीटर रेस सो डोंट गिव अप अप इफ यू नॉट गिविंग डोन्ट गिंग यून देर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग कोई भी बड़े आदमी एक बड़ा आदमी कौन होता है लाइक आज मैं यही कह रहा था कि बड़ा आ, सपना क्या होता है जिसको सोच के डर लगे बड़ा सपना क्या होता है जिसको सोच के भी डर लगे अरे इतना बड़ा कैसे हो और बड़ा आदमी कौन होता है जो कभी हार ना माने Hmm. हर मुश्किल का सामना करें तो hmm. ना एक मैं में में बुक में पढ़ रहा था हीरो uh, hmm. इंसान को डर लगता है और hmm. जो हीरो होता है ना वो face करता है उसको। जो कॉवर्ड होता है वो बोलता है नहीं, नहीं यार अपने बस का नहीं है यार देखो हीरो होता hmm. है मालूम है मेरे को नहीं आती चीजें बट घुस के देखो तो सही कोशिश तो करो

उतना, जितनी लेगा, उतना become, become how how become, uh, तो स्ट्रांग होता है जितने तो बड़ा आदमी बिकम ब्रेव होगी थोड़ी घूम के आएगी लेकिन फिर भी तू भाग जाएगा कितना टाइम तक भागेगा फिर कभी झक मार के करना पड़ेगा वो काम तो पहले कर लेता तो झक मार के करना नहीं पड़ता या फिर किसी का सुन के लेना नहीं पड़ता था बराबर पॉइंट है यही <laughs> नहीं बहुत था मतलब आ, उसका कैसा है कि कि अभी सबको ऐसे ही लगता है कि वो ऐसी चीजें जो करेंगे पहले -पहले <laughs> ठीक है बट जब हार्ड टाइम आएगा ना तभी तो एक्चुअली समझेगा कि एक्चुअली तो है। दिखती है, कि तभी दिखती है कि बंदा कितना कड़क है देख मैं, देखो, एक एम्प्लॉय एंड अ बॉस चल मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है रोना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड अ बॉस तू बता स्कॉलर स्मार्ट तो दोनों हैं और अक्सर ज्यादा टाइम तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं रेदर देन द बॉस तो व्हाई दैट पर्सन इज बॉस एंड दीज आर द एम्प्लॉय मतलब एक रीजन तो ये है कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है सेकंड ये रीजन रह सकता है कि एक जमाने में जब भी मतलब वो एम्प्लॉय कभी ना कभी आगे जाके गिरेगा एक आध बार ऐसा होता है ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो जिंदगी भर लीनियरली जाएगा तो, ऐसा है, तो गिरने के बाद वो बॉस इसलिए रहेगा क्योंकि बॉस का कैपेबिलिटी है कि वो गिरे हुए को उठा के अपने साथ आगे लेके आ सके कि तू इधर गिर गया है इसको याद रख अपने पीछे वाले को सिखा तो वो जो एटीट्यूड है ना उसकी वजह से बॉस है एक और चीज है एम्प्लॉय डोंट नो व्हाट टू डू एंड द बॉस व्हाट टू डू। समझ रहे क्या? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ना एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट इंसान है hmm. उसको सब करना आता है लेकिन उसको hmm. पता नहीं करना क्या इसलिए वो इस इंसान के पीछे आता है और इसको पता है करना क्या इसको पता hmm. नहीं कैसे करना लेकिन इसको पता है करना क्या द डायरेक्शन यहाँ जाना है और फिर वो एम अपनी पूरी सारी टिक ट्रिक स्ट्रैटेजी सारी चीजें लगा देता बता, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे बट वो बताने वाला चाहिए कि जाना कह इसलिए ये बंदा भले ही सादा कम कम पढ़ा लिखा हो लेकिन इसको पता है कि जाना कहाँ है एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसलिए अगर अपनी ग्रेजुएशन में हो अपनी इंजीनियरिंग में हो और कुछ भी हो तो ये सवाल मत करोगे मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी ये पूछोगे मेरे को करना क्या है मेरे को क्या करना पसंद है

तो बॉस भागता नहीं है उसके अंदर उतना आ, है समझ रहे क्या उतने पेशेंस उतना वो एटीट्यूड है उतनी कैलिबर है कि वो रुकेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या फिर उसके साथ डूब जाएगा लेकिन वो भागेगा नहीं इसीलिए वो बॉस है तो दो स्किल होनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए जाना किधर है नहीं पता होता नॉर्मल है पर तुम्हें फिगर आउट करना है कि जाना किधर है Hmm. आधे टाइम मेरे को कुछ भी नहीं पता होता भाई क्या करना है सब मेरी तरफ न, नजरे बैठा गड़ाए बैठे हैं मेरे को तो पता था भाई के पांच हजार सब्सक्राइबर होंगे मैं खुश था hmm. भाई एक लाख के बाद क्या करना है मेरे को नहीं मालूम पांच लाख के बाद क्या करना है hmm. अपन तो दस हजार सब्सक्राइबर के लिए ही तो मेहनत किए थे अभी पांच लाख हो गए तो इसका तो अपने को पता नहीं पर सुमेर पता कर ले उनको वो बिलीफ है और सुमेर कर भी लेता है पता समझ आएगा so you know uh, वो, वो अलग स्किल है कि तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे क्योंकि तुम उतने इन्फ्लुशल हो मेरे यार मेरे को यार यहाँ पे कभी लोगों की कमी नहीं पड़ी रौनक टू बी ऑनेस्ट मेरे यहाँ पे लोगों ने फ्री में भी काम किया है क्योंकि ना मेरा यहाँ पे माहौल है मेरे ऑफिस कभी खाली नहीं होता मेरे ऑफिस में तो आएगा ना तो आएगा मजे बोलेगा इधर मैं पैसे देके भी आऊंगा क्योंकि वो माहौल है मेरे यहाँ पे कसम से कह रहा हूँ एलएमटी में काम करना है हम लोग वो हम लोग सस्ते में भी ना हाईफाई फाई एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं <laughs> सस्ता फेस हो गया हमारा नहीं वही मेन वही है तूने बोला वो बराबर है का वही है कि उसको अपना गलती है ना फेस करना पड़ेगा एम्प्लॉय कर एक हाथ गलती है तो, because उसके पे अगर नौ अचीवमेंट है एक अचीवमेंट नहीं हो सके उससे बट आठ है जॉब मिल जाएगा अंत्रनर तो बर्बाद हो जाता है अगर उसने उसकी गलती का ये नहीं किया तो निरंतर बाद में वो जो गिरेगा ना वो खत्म फिर वापस से आना मतलब

ठीक है ना यार वरना तो उसको नहीं जानते उतने उतने लोग उतने लोग उसके बारे में बात नहीं करते उसके बारे में मूवी नहीं बनती पर वो आया। और इंस्पिरेशन आते है ना, ना यार ठीक है टाइम में वापस आएंगे आया ना वो बनना वो, वो। जिद्दी था जिद्दी था मैं जिद बहुत बहुत जिद्दी था अलग कड़े जो जो जिद्दी है वो लोग कुछ भी हो जाए मतलब आएंगे वो लो। वो लोग लोग को कितना भी सोसाइटी सप्रेस करना जिद्दी के ना वो गिरते नहीं है और ये एक लो, बहुत लोग है इवन आई थिंक रणवीर ने बहुत नाम एस्टेब्लिश कर लिया मतलब उसने भी हुँ, पूरा हुँ। एकदम स्मॉल स्केल से चालू किया था फिटनेस चैनल अभी कहा का कहा पहुंच गया तो वो रहता है जिद्दी रहना बहुत जरूरी है वो तो है काफी अच्छा लगा पॉडकास्ट फाइनली मतलब टाइम मिले गए लेकिन hmm? नहीं मैं बोला था ना तो बताया अपन दूसरे दिन किए कि दूसरे दिन किए अगर तो द ऑडियंस साइल बी लिंकिंग सुमेश यूट्यूब चैनल सो ऑल ऑफ इट चैनल्स बेसिकली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो यू कैन हैव अ लुक एट दोस चैनल्स ओके

बड़ा अच्छा लगा आज बात करके मोस्ट वेलकम हम्म चल सीन ऑफ है आई हैव नाइस डे ब्रो या बाय